हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एई किचन्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कश्मीरी दम आलू बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बिना टमाटर और बिना प्याज के बनते हैं। खाली खड़े मसाले और दही यूज करके इसे हम बनाते हैं। बहुत ही यमी रेसिपी बनती है, तो देख लेंगे इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। एक कटोरी भरकर मैंने यहाँ पर दही का लिया है, इसको बिल्कुल फेंट कर मैंने स्मूथ बना लिया। कुछ चाहिए होंगे हमें खड़े मसाले, दो तेज पत्ता लिए हैं मैंने, एक चम्मच यहाँ पर धनिया, सौंफ, मेथी दाना और कुछ मसाले इस तरह से हैं, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, कुछ आप इसमें काली मिर्च और चार छह ऐड कर सकते हैं। एक हमें चाहिए होंगे इसके लिए कश्मीरी लाल मिर्च। फ्रेंड्स, इसके हम सीड्स अलग कर लेंगे और खाली कश्मीरी मिर्च को लेकर उसको गर्म पानी में डिप कर लेंगे। बिल्कुल छोटे साइज के जो आलू होते हैं वो चाहिए हमें इसके लिए, इससे ये आलू सब्जी बहुत ही यमी बनती है। फ्रेंड्स, इसके लिए आप ये इस साइज के आलू ही लीजिए। ऐसा नहीं कि हम बड़ा आलू लेके उसको कट करके बना लेंगे, छोटे आलू से ही ये जो हमारी डिश है वो अच्छी और टेम्पटिंग बनती है। एक मैंने इसमें लिया है स्पेशल इंग्रेडिएंट, ये है काजू का पेस्ट। ये हम थोड़ा सा यूज करेंगे क्योंकि जब हम दही में ये बनाते हैं आलू, जब ग्रेवी बनाते हैं तो कुछ लोगों का जैसे दही डालते ही वो बिल्कुल फट जाता है। जब हम इसमें दो तीन चम्मच काजू की पेस्ट के ऐड कर लेंगे तो दही बिल्कुल भी फटेगा नहीं और ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बनेगी। पहले हम ये कश्मीरी मिर्च के जो सीड्स हैं वो अलग करके इनको डिप कर देंगे। ये देखिए, सीड्स अलग कर लिए, अब इसको हम डिप कर देंगे 5-10 मिनट के लिए गर्म पानी में। बस थोड़े से पानी में इसको डिप कर देंगे। ये जो हमारे मसाले हैं इनको हम थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये तेज पत्ता निकाल लेंगे और बाकी के सभी मसाले हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और एक साइड पर हम ऑयल प्री हीट करने के लिए रख देंगे क्योंकि आलू को हम फ्राई करेंगे। जब तक ये हमारा रोस्ट हो रहा है मसाला, इधर हम देख लेते हैं ये जो आलू हैं इनको हम फोक की हेल्प से इस तरह से फ्रिक कर लेंगे सब आलुओं को, ताकि जब हम इनको ग्रेवी में पकाएं तो अच्छे से ग्रेवी का टेस्ट इनमें आ जाए। सब आलुओं को इस तरह से फ्रिक कर लेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने मसाला रेडी कर लिया ग्राइंड करके, आलू भी प्रिक कर लिए। अब ये जो मिर्ची है हमने रखी हुई डिप करके, इनको भी हम एक पेस्ट बना लेंगे। ये जो थोड़े से पानी में डिप की थी वो जार में डाल के इनका भी हम एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, लाल मिर्च को भी इस तरह से हम ग्राइंड कर देंगे। अब इनको एक साइड पे कर देंगे और ये जो हमने आलू फ्रिक करके रखे थे इनको हमने फ्राई करना है। फ्रेंड्स, इनको हम पहले ऑयल को प्री हीट कर लेंगे और फ्लेम को थोड़ा स्लो ही रखेंगे, फ्राई करेंगे इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए, इस तरह से हमें इनका गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है।
और निकाल लेंगे। आलूओं को फ्राई करके हम साइड पे रख लेंगे। अब हम ग्रेवी की प्रेपरेशन करेंगे। एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम दही ऐड कर लेंगे। साथ ही ये जो लाल मिर्च का हमने पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। फ्रेंड्स, कश्मीरी लाल मिर्च से ही दम आलू में अच्छा कलर आता है। और साथ ही इसमें हम डालेंगे काजू पेस्ट। काजू पेस्ट बनाना बहुत ही सिंपल है। 10-15 काजू को मैंने आधा घंटा पानी में डिप करके रखा और उसके बाद इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया पानी के साथ ही। इस तरह से फ्रेंड्स, अगर हम काजू का पेस्ट डालेंगे तो हमारी दही फटेगी नहीं, ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बनेगी। थोड़े थोड़े मसाले भी इसमें ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा या कम भी कर सकते हैं। अब एक बर्तन ले लेंगे, उसमें हम 1.5 टेबल स्पून 1.5 यानी 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने सरसों का ऑयल डाला। थोड़ा सा गर्म होने देंगे तो हम इसमें तेज पत्ता डाल देंगे। साथ ही जो हमने मसाले ग्राइंड करके रखे थे वो डाल देंगे। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। फ्रेंड्स, कश्मीरी लाल मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं होती। कश्मीरी दम आलू है तो इसमें कलर अच्छा सा आए, इसलिए हम ये ऐड करेंगे। और जल्द से जो हमने ये दही रखी थी वो ऐड कर देंगे। कॉन्टिन्यूसली इसको हिलाएंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड कर देंगे और 3-4 मिनट के लिए इसको फ्लेम को स्लो करके इसको ढक कर पकाएंगे। अच्छे से बॉयल आने देंगे, थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। और 2-3 मिनट के लिए इसको ढक देंगे ताकि थोड़ा जो हमने दही डाला है वो भी कुक हो जाए और जो हमने काजू का पेस्ट डाला है वो भी थोड़ा कुक हो जाए। फ्लेम को स्लो कर देंगे, 2-3 मिनट बाद फिर इसको ओपन करेंगे। 2-3 मिनट के बाद खोलेंगे, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। अब हम क्या करेंगे, आलू डाल देंगे जो हमने फ्राई करे थे।
अगर आपको कसूरी मेथी का फ्लेवर अच्छा लगता है तो थोड़ी सी आप इस टाइम पे कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए। थोड़ी कसूरी मेथी ऐड कर दी मैंने। अब हम ग्रेवी में आलूओं को 8 से 10 मिनट तक फ्लेम स्लो करके ढक कर पकने देंगे, 8 से 10 मिनट तक। 10 मिनट हो गए आलूओं को ग्रेवी में धीमी आंच पर पकते हुए। बीच बीच में मैंने एक दो बार इनको हिलाया। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सब्जी बनकर हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इस पर हम हरा धनिया डाल देंगे। अब मैं ये आपको सर्व करके दिखाती हूँ। कश्मीरी दम आलू गर्मा गर्म बनकर बिल्कुल रेडी हैं। इतने बढ़िया बनते हैं कि आपका मन रोज बनाकर खाने को करेगा। फ्रेंड्स, इसे हम नान, चपाती, राइस, किसी के भी साथ लंच या डिनर में सर्व कर सकते हैं। गेस्ट आने पर भी बना सकते हैं। बहुत ही रिच डिश लगती है ये। ट्राई कीजिए आप भी और कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट एक और न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।